स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल जेकेडी हेल्थ टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज की हमारी ये वीडियो ग्लिमेप्राइड टैबलेट के बारे में। दोस्तों वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ग्लिमेप्राइड टैबलेट, किस काम में आती है, इसके ब्रांड क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, यूजेस डोजेज क्या है, इन सब से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, ग्लिमेप्राइड ये एक ऐसी दवा है जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 के पेशेंट को दी जाती है। ये आपके ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने में काम आती है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है। ये सल्फोन एलोरिया ग्रुप की एक एंटी डायबिटिक दवा है। मार्केट में ये टेबलेट ही के फॉर्म में मिलती है और ये किसी फॉर्म में नहीं मिलती है। ग्लिमेप्राइड एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है आपको। दोस्तों आइए जानते हैं ग्लिमेप्राइड टैबलेट के यूजेस के बारे में। ग्लिमेप्राइड का यूज सिर्फ डायबिटीज की बीमारी में होता है, जिन्हें डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 होता है, और ये उन पेशेंट के शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है और उन्हें नॉर्मल भी करता है। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर ग्लिमेप्राइड टैबलेट काम कैसे करता है। इंसुलिन एक केमिकल होता है हमारे शरीर में, जो ब्लड से ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होता है। जब इंसुलिन ब्लड में अवेलेबल शुगर को सेल तक आसानी से नहीं पहुंचा पाता तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जब आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे तो ये बढ़ा हुआ मिलता है। जब आप ग्लिमेप्राइड लेते हैं तो ये पैनक्रियास में जाकर उसे स्टिमुलेट करता है, जिससे पैनक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण आपके ब्लड से ग्लूकोज आसानी से सेल तक पहुंच जाते हैं और आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg और 8 mg तक मिल जाती है। दोस्तों अगर ब्रांड की बात करें तो ये एमराइल नाम से ज़्यादा फेमस है, एमराइल टैबलेट, और इसके और भी ब्रांड है जैसे ग्लिमसिप, ग्लाइप्राइड है, डायप्राइड है, और भी बहुत सारे ब्रांड ये मार्केट में है, लेकिन इसका जो साल्ट होता है फार्मूला ये वही होता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, यानी इसको कैसे लेना है। नॉर्मली डॉक्टर इसे 1 mg से 2 mg टैबलेट को दिन में 1 से 2 बार नाश्ते या भोजन के साथ लेने को बोलते हैं रोज़ाना। जब आपकी शुगर 2 mg पर डे देने पर भी अगर कंट्रोल नहीं होती है तो डॉक्टर इसकी डोजेस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जैसे 4 mg कर देते हैं। फिर भी अगर वो कंट्रोल में नहीं होती तो इसकी डोजेस कुछ और भी बढ़ाते हैं। और दोस्तों इसके साथ कुछ और भी डायबिटीज़ की दवा कुछ डॉक्टर लगाते हैं, और मार्केट में कुछ कॉम्बिनेशन में भी दवा आती है, जैसे ग्लिमेप्राइड के साथ मेटफॉर्मिन भी आती है कॉम्बिनेशन में। दोस्तों ग्लिमेप्राइड टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, यानी अचानक ब्लड का जो शुगर लेवल है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। नौजिया भी आ सकती है, और स्वेटिंग यानी कि पसीने भी बहुत आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, वेट गेन भी होता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्लिमेप्राइड टैबलेट के इंटरेक्शन की, जो दूसरी दवाओं के साथ होता है, यानी कि जब भी आपकी कोई दवा चल रही हो या अगर आप इसके साथ साथ कोई अन्य दवा भी ले रहे हैं तो वो इस दवा से इंटरेक्ट कर सकती है, यानी वो आपकी दवा के प्रभाव को कम कर सकती है या इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, जैसे सेफ्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, इनालेप्रिन, लिसोरोप्रिन, रेमिप्रिल या ऐसे ही इनहिबिटर मेडिसिन, ये आपको इसके साथ नहीं लेना चाहिए। फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, एस्प्रिन, ये भी दवा इनके साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी ये दवा पहले से ही चल रही है तो आपको डॉक्टर को इसकी जानकारी देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ग्लिमेप्राइड के साथ साथ या डायबिटीज़ की कोई और भी दवा के साथ साथ अगर आप हर्बल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेथी का दाना ले रहे हैं क्योंकि मेथी का दाना भी ब्लड शुगर को लो करता है, और अगर आप एलोवेरा का जूस पी रहे हैं तो ये भी ब्लड शुगर को कम करता है, करेले का जूस पी रहे हैं तो ये भी ब्लड शुगर को कम करता है, तो अगर आप ये भी ले रहे हैं और ग्लिमेप्राइड भी ले रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ें नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप दोनों लेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये दवा भी आपका शुगर लेवल लो करेगी
और जो आप हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये भी आपके ब्लड शुगर को कम करेगी, तो दोनों मिला के कुछ ज़्यादा ही आपका ब्लड शुगर कम हो जाएगा जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस विषय में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों ये था ग्लिमिप्राइड टैबलेट का रिव्यू। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।